सो हेलो एवरीवन, ये है GMR एयरपोर्ट्स के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस पे इनकम जो है 26 करोड़ थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 87 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज हुई है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस के। टोटल एक्सपेंसेस जो है ईयरली बेसिस में 18.50 करोड़ थे, जो क्वार्टरली बेसिस में 17.63 करोड़ यहाँ पर हो गए हैं। इनकम बढ़ी है लेकिन एक्सपेंसेस यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं। आगे हम इस शेयर के जो है यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देख लेते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयरली बेसिस में 546.14 करोड़ था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 1309 करोड़ यहाँ पर हो गया है। आगे हम इस शेयर के जो है अर्निंग पर शेयर को भी देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जो है 3 पैसे था, ब्रैकेट में था यानी लॉस में था, अब जो है 3 पैसे यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट जो है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस लेवल की। मैक्सिमम टारगेट 55 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी और रिटर्न्स के लिए तो आपको इस शेयर को लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करके रखना चाहे तो यहाँ पर इस शेयर को जो है अपने ओन रिस्क में लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हैं।